संबंधी हैं उनके यहाँ शराब पकड़ाया है, माफी अगर जो नहीं मांगेंगे तो मानहानि का केस होगा उन पर। आज आप लोगों को आमंत्रित करना पड़ा। विगत 3-4 दिनों से बिहार के अंदर जो जहरीली शराब के कारण कई मौत हुई है, 100 के ऊपर के लगभग मौत, और अब इसका दायरा बढ़ते जा रहा है सिवान से बेगूसराय तक, सड़क से सदन तक। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार की संवेदनहीनता प्रदर्शित हो रही है, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जिस तरह से बयान आ रहा है सरकार के मंत्रियों का, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिम्मेवारी लेने की बजाय जिस तरह की भाषा का उपयोग सदन के अंदर हो रहा है और जिस तरह के बयानबाजी सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए किया जा रहा है, दोषारोपण के लिए, उसी संदर्भ में आज हम लोग आप लोग के सामने कुछ तथ्य रखेंगे कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी घबराहट में कल एक बयान दे दिए ताकि हमारी प्रतिपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज़ को दबाई जा सके, लेकिन वो आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे एक क्षेत्र के अंदर ही, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही संबंधी हैं उनके यहाँ शराब पकड़ाया है, पूरा तथ्यहीन, गलत और भ्रम फैलाने का ये वातावरण बनाया गया। उनके साथ साथ माननीय शकील अहमद और भाई वीरेंद्र का भी इस तरह का बयान आना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिना सत्य की जानकारी लिए उस गांव के अंदर जो शराब पकड़ाया है उसका FIR हुआ है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंधी नहीं है, और वो व्यक्ति जो पकड़ाया है जिनके यहाँ शराब और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, वो व्यक्ति का ये फोटो है। इस फोटो पर मोटरसाइकिल पर ये तीर के निशान लगा के घूमते हैं। सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो हम सदन के अंदर भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता संरक्षण में आपके शराबबंदी को फेल किया जा रहा है, आपका तंत्र कमजोर है और आपके लोग ही आपका मजाक उड़ा रहे हैं। यही उनका फोटो है, आप देख लें, ऐसी की गिरफ्तारी हुई है। यही मुनचुन कुमार हैं, गेनौरी सिंह के पुत्र, हमारे संबंधी तो वहाँ रहते भी नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं। किस तरह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, और अगर जो एक FIR भी वहाँ पर हुआ है, गांव के लोगों ने वहाँ धरना पर बैठा और प्रशासन में जाके FIR किया, किस तरह के झूठा आरोप लगाकर आप वातावरण को क्यों दूषित किए हैं। हम भी मांग करेंगे कि अगर जो ये तीनों लीडर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शकील अहमद साहब और भाई वीरेंद्र माफ़ी नहीं मांगेंगे, सदन में जो बयान दिए उस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो हम मानहानि का केस करेंगे इस तीनों व्यक्ति पर, और सदन के अंदर आसन पर बैठकर जो सरकार के प्रवक्ता की भूमिका निभाने लगे हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, किसी भी सदस्य और नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में
आपका आसन से जिस तरह से बयान आता है उस आसन की गरिमा को कतई नहीं बढ़ा रहा है। आप सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम न करें, पक्ष और प्रतिपक्ष के अभिभावक के रूप में काम करें। आज है नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आप लोगों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा था कि शब्द नहीं है क्या कहूँ, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से एक ही दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी को आंकड़े तथ्य यथास्थिति से अवगत कराते हैं तो वह आग बबूला हो जाते हैं। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करते हैं तो वह भ्रष्ट बाबुओं के संरक्षक बन जाते हैं। आज ये कौन सी भूमिका में है? सत्ता लोलुपता के लिए कुर्सी पर सीएम बनने का सपना जो दिखा दिया है उसके लिए ये बिहार की जनता के दर्द को उस मासूम बच्चे और विधवा जिसका भविष्य अंधकार की ओर बढ़ चुका है मुआवजा देने के बजाय मुख्यमंत्री के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस गरीब दलित कमज़ोर तबका के लोगों को सहारा देने के बजाय उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय जो उसकी आवाज़ उठा रहा है उसी को फंसाने के लिए और उसको आप गुमराह करने के लिए बिहार की जनता को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। आप जैसे लीडर जो सोने की चम्मच लेके जन्म लिए हैं राजनीति में जनता की आवाज़ को दबा नहीं सकते। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सगा संबंधी परिवार के भी लोग हैं और कोई इस घटना में संलिप्त है तो आप उसको फांसी की सजा चढ़ाइए। विजय सिन्हा कभी न पैरवी किया है न संरक्षित किया है, हमेशा लड़ाई हमने सत्य की लड़ा हूँ, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार की जनता की आवाज़ बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हूँ। जो लोग सत्ता लोलुपता के लिए एक भ्रम फैलाना चाहते हैं बिहार में, डराना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की गोद में बैठकर और शीशे के महल में रहने वाले ये गलती ना करें। एक एक का चेहरा उघार करके रख देंगे। और हमने तो खुल के कहा कि मेरा भाई ही मेरा बेटा ही गलत करता है आप उसको सजा दे के जेल के अंदर भेजें, लेकिन झूठा अफवाह उड़ाएंगे और छवि धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि का केस करूंगा अगर जो आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप ये फोटो देख लें, यही गिरफ्तारी हुआ है लखीसराय के थाना और वहाँ के प्रशासन से भी पूछे कि इनके यहाँ निकला है और ये किसका पोस्टर लगाए बैठे हैं। इस तरह का माहौल और बिहार के अंदर हत्या अपहरण लूट बलात्कार भ्रष्टाचारियों की जहरीली शराब को बेचने वाले माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोग का चेहरा हम उजागर करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई अब ठहरेगी नहीं। बिहार के अंदर इन गरीबों का, इन मासूमों का मुआवजा मिलना चाहिए और सिर्फ जहरीली शराब से मरने वाले को नहीं, जो भी अपराधियों के गोली का शिकार हो रहा है उसका परिवार जो अनाथ बन रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवाएं की दहार, उसका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहरी गूंगी सरकार को, इस सरकार को सजग करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। माननीय राज्यपाल महोदय के पास भी हमने जा कर के कहा है कि ये सरकार पूरी तरह से सदन के अंदर धमकी भरी लहजा में अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहा है, बर्बाद कर देंगे। बर्बाद करने से विजय सिन्हा नहीं डरता है। जो व्यक्ति पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है उस बर्बादी को बचाने के लिए अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे और हमारे तमाम विधायक, पूरी पार्टी उस जंगल राज से भी लड़ करके इन लोगों को हटाए थे और उस जंगल राज को ये जनता राज बता रहे हैं।
लेकिन अब ये गुंडा राज में परिवर्तित हो गया है। इस गुंडे राज के विरोध में जबरदस्त आंदोलन सदन के बाद शुरू होगा। आपके समधी का नाम कहां से आ गया था इसमें तो? अब जिस प्रे एक सोशल मीडिया से किसी ने डाला है, ये कुछ पेशेवर लोगों को संरक्षित कर करके आप लोगों के वातावरण को भी कहीं ना कहीं दूषित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो, इसके लिए लोग वहाँ FIR भी किया है। लखीसराय के अंदर ही लोग FIR किए हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह के वातावरण बनाते हैं और जो माहौल खराब करते हैं, अच्छे छवि से काम करने वाले को डिमोरलाइज करने का प्रयास करते हैं। और मैंने तो खुला चुनौती दिया है सदन के अंदर, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जांच करेंगे, तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल सदन पटल पर रखें, जांच का रिपोर्ट क्या आया है और सत्यता से सदन को और पूरे बिहार की जनता को अवगत कराए। लेकिन आवाज़ को दबाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अलग अलग रूप में कलंकित करने के लिए ये खेल खेलेंगे तो हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। न लोभ है, न भय है और न कोई प्रभावित कर सकता है। एक सामाजिक सैनिक के तरह भारतीय जनता पार्टी का हम लोग लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। जंगल राज से गुंडा राज तक हटाने की लड़ाई जारी रहेगी। माफी अगर जो नहीं मांगेंगे तो मानहानि का केस होगा उन पर, क्योंकि ये छवि धूमिल करने का खेल खेले हैं। जो काजल की कोठली में बैठ करके और दूसरे को काजल लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक एक इनके कारनामा का उजागर करेंगे सारे। हमने तो बार बार आपको दिखा रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जो मेरी वाणी थी वो सत्य है कि नहीं। ये किसका, ये जदयू का पोस्टर लगा के घूम रहा है, यही दारू इन्हीं के यहाँ पकड़ाया है, यही इनको थाना पकड़ के लाया है। और अधिकतर जगह ईमानदारी से जांच कर ले तो अधिकतर राजद और जदयू के लोग निकलेंगे। दारू बालू और भ्रष्टाचार में बिहार के अंदर इनकी एक बड़ी जमात है, श्वेत पत्र जारी करे इस मामले में। आंकड़ों को लेकर राजनीति हो रही है, जो सरकार आंकड़े पेश कर रहे हैं, जो लोग मरे हैं, लेकिन जो आंकड़ा सही में है वो कुछ अलग है, उसको लेकर राजनीति हो रही है। देखिए, सरकार आंकड़ा जो उनके भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वो पेश कर रहे हैं। पहले तो जहरीली शराब से मरने वाले को कहते थे बीमारी से मर रहे हैं, तथ्य को छुपा लेता था। जब आप लोग प्रेस मीडिया के लोगों ने जाके गांव के अंदर दौरा किया और हम लोगों की एक टीम जा कर के डेढ़ दर्जन जगह पर जा कर के हम लोग मिले, तब सही आंकड़ा निकल के आ रहा है। और ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है, जमीन पर सरकार के एक भी व्यक्ति नहीं गया, उनको कोई संवेदना नहीं है। सत्ता के अलावे, भ्रष्टाचार करने के अलावे, विभाग के अंदर लूट मचाने के अलावे, जनता के समस्या, जनता के दर्द, जनता के हित की चिंता उन्हें नहीं है। आया कहां से कि किसी वैसे व्यक्ति को जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, आप उनको आपका रिश्ता बता दिया, तो कभी मांगे? निश्चित तौर पर इस पर हम लोग FIR भी दर्ज हुआ है और कल मानहानि का केस भी करेंगे अगर जो लोग माफ़ी नहीं मांगे। और जो पोर्टल वाले, ऐसे पोर्टल चैनल का भी कार्रवाई के लिए हम लोग लिखेंगे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।